विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में श्रीमद् भागवत कथा 3 अप्रैल से कलश यात्रा के साथ रविंद्र कॉलोनी से प्रारंभ होकर मतंगेश्वर महादेव मंदिर में पहुंची, जिसमें समस्त मातृशक्ति माताएं बहने कलश लेकर शिव सागर तालाब खजुराहो से निकलकर कलश यात्रा में शामिल हुई। आपको बता दें, शिवपुरी जिले के पिछौर निवासी श्री राम भक्त राम गोपाल सिंह दाऊ के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन और चारों धाम पूजा का आयोजन कराया जा रहा है। यह कार्यक्रम गौतम होटल एंड रिसोर्ट जैन मंदिर रोड हनुमान मंदिर के पास खजुराहो में रखा गया है। व्यासपीठ विराजमान भगवत भूषण पंडित श्री रमाकांत व्यास जी के मुखारविंद से कथा का रसपान कराया जाएगा। हमारे माता पिता जी की चारों धाम की यात्रा कंप्लीट होने के बाद हम लोगों का वो था कि हम लोग चारों धाम की पूजा और श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करें। कोरोना की वजह से थोड़ी देर हुई, इस वजह से अभी सब कुछ किया गया। तो रविंद्र कॉलोनी में जो हमारा निवास स्थान है, वहाँ से स्थान शुरू होकर और यहाँ मतंगेश्वर नाथ के मंदिर से होके और यहाँ होटल। कितने दिवसीय है कार्यक्रम? ये 7 दिवसीय है। आज से स्टार्ट होगी, 9 तारीख को कथा का आनंद और 10 तारीख को आपका भंडारा और हवन समाप्ति वगैरह सब। खजुराहो में तो मैं पहली बार ही आया हूँ और देश के अन्य प्रांतों में सभी जगह मेरी कथा हुई है। आपको कैसा लगा खजुराहो? खजुराहो तो अभी तो मैं कल ही आया हूँ और देख करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई। बाबा मतंगेश्वर जी का दर्शन किया और इस आयोजक परिवार की व्यवस्थाओं को देख करके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने रहने की, रुकने की, पंडाल की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की है, इसके लिए वास्तव में बधाई के पात्र हैं।